हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल। देखिए वीवर्स, आज आपको दिख रहा होगा मैंने एक आँख पे आई शेडो लगाया हुआ है। तो मैं वैसे मेकअप करती नहीं, आप लोगों को पता है मेरी आई सेड वीक है, तो मैं बिना चश्मे के मेकअप कर नहीं सकती हूँ। लेकिन मैंने ये एक वीडियो डाली थी इसकी अर्बन चॉइस आई शेडो पैलेट की, 64 in 1 आई शेडो। ये है इसकी पैलेट और ये है इसका ऊपर का कवर। तो इसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, मैं बहुत खुश हूँ इस पैलेट से। ये वाली पैलेट है इसमें, और मेरा को इसके मतलब मुझे व्यूज़ भी बहुत अच्छे इसके मिल रहे हैं। और मेरा ये काम था कि अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ मिले तो मैं वो आप लोगों को बताऊं। अब ये मुझे बोला आज ही किसी ने कि मुझे हमें इसके स्वाचेस भी दिखाइए, तो मैं वो आपको दिखा रही थी। सबसे पहले मैंने जो सूट डाला हुआ था तो मेरा मन में आया कि ये जो है ये ब्लू कलर, ये मेरे सूट के साथ मैचिंग था। तो मैंने क्या किया, देखो मुझे दिखता है नहीं है बिना चश्मे के, लेकिन मैंने ब्रशेस भी गंदे नहीं किए, क्योंकि मुझे ना एज अ मेकअप आर्टिस्ट ब्रशेस गंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ज़रा सा भी मेकअप करूँगी फिर ब्रशेस वॉश करूँगी, तो मैं सिर्फ ऐसे तो मेकअप करती नहीं अपना। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाला कलर लिया है, ये वाला, और मैं अपने सूट से मैचिंग करके ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये इस तरह से हल्का सा किस तरह मैंने किया ये लुक क्रिएट। एक जब आई सेट वीक होती है ना तो आई मेकअप आप अपना खुद कर नहीं सकते, इसीलिए से मैं अपना आई मेकअप खुद करती नहीं हूँ। ये मैं अंदाजे से ही कर रही हूँ। देखिए आपको पता चल जाएगा मैंने बर्ड पे कितना सा लगाया हुआ है, और इसका इसके कलर अच्छे हैं, एक बार में ही अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है, और मैंने तो सिर्फ ब्रश लिया हुआ है। अब जिसके पास ब्रशेज ना हो इनसे भी मेकअप कर सकता है, मैं तो किसी भी चीज़ से कर लेती हूँ, हाथ से भी कर लेती हूँ मैं तो। ब्रशेज तो अभी आए हैं, जब ब्रशेज नहीं होते थे तब भी लोग मेकअप तो करते ही थे। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मैं तो थ्रेडिंग भी नहीं कराई हुई, मैं तो ऐसे ही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट है इस आई शेडो का। देखिए मैंने हल्की सी लाइन बना ली, अब मैंने ये साइड पे थोड़ा सा डार्क किया। एक ही कलर लिया मैंने अभी तक, कोई दूसरा कलर वलर कुछ नहीं लिया, मैं एक ही कलर से कर रही हूँ। मैंने तो कोई बेस भी नहीं बनाया, बस ऐसे अंदाजे, क्योंकि दिखता ही नहीं है मुझे बिना चश्मे कितना, तो मैं अंदाजे से ही कर लेती हूँ। उसके बाद जो मैं सेकंड नंबर ले रही हूँ, इसका ये वाला कलर ले रही हूँ, ये हाइलाइटिंग के लिए है हमारे पास। तो मैंने फिंगर से ही इसको हल्का सा, मैं ब्रश से नहीं ले रही हूँ, हल्का सा मैंने लिया इस तरह से, और मैंने ये इस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया। देखिए कितना अच्छा एक ही बार में हो गया, देखिए बिल्कुल ज़रा सा ही टच किया मैंने फिंगर को। जिनके आई सेट वीक है ना, जिनसे मेकअप नहीं होता उनको बहुत दुख होता है कि मैं दूसरों का मेकअप तो इतना अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मैं अपना नहीं कर पाती हूँ सिर्फ आई सेट की वजह से। तो मैं लेंसेज भी नहीं लगा रही हूँ अभी, मैं लेंसेज लगाना शुरू कर दूँगी, अपना मेकअप डाला करूँगी। मैंने सोचा है कि क्योंकि कई लोग मेकअप करवाते तो हैं लेकिन वो वीडियो नहीं बनवाते, वो कहते हैं हमें नहीं डालना। अब देखिए देखिए जैसे ये वाइट आ रहा है, अब मैंने वाइट के लिए क्या किया, ये वाइट हाइलाइटर है इसमें, ये देखिए, तो मैंने इसमें से ये हल्का सा इस तरह से ये फिंगर पे ले लिया वाइट, ये देखिए मैंने सिर्फ दो चीज़ों से ही ये देखिए 2 मिनट में हो गया। अब आईलाइनर मस्कारा वस्कारा जो भी कुछ आप लगाना चाहते हो, देखिए फिर भी फिंगर पे बच गया। तो अब स्वाचेस आपको एक तो ये पता चल गया, अब दूसरा मैं इसके आपको सीरियल वाइज बताना शुरू करूँगी, ये कलर्स ले के आपको दिखाती रहूँगी कि कौन सा कैसा कलर है। आपको पता चल ही गया होगा मैंने लगाया कलर्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं बारी बारी आपको सारे कलर दिखाऊँगी अपनी बाजू पर, तो कलर्स बहुत सारे हैं और लाइट थोड़ी, ये देखिए ये कलर, ये देखिए पाउडर पे इसमें थोड़ी लाइट बंद करनी पड़ेगी तभी आपको दिखेगा, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। अभी आपको दिख ही गया होगा आई मेकअप कि कितना अच्छा है इसका।
ये देखिए कलर, डार्क डार्क कलर दिखाती हूँ, लाइट कलर शायद पता नहीं चलेंगे। उसके बाद ये ऑरेंज कलर, ये देखिए ऑरेंज कलर, एक बार मैं ही फिंगर टच करूँगी, ये देखिए ये आ गया, रेडिश दिख रहा है लेकिन ऑरेंज है। उसके बाद इसका हाइलाइटर वाली शेड, हाइलाइटर वाली शेड, ओ सॉरी पास नहीं हो गया, ये हाइलाइटर वाली शेड है इसकी, ये देखिए हाइलाइटर वाली शेड। थोड़ा सा मुझे कैमरा नीचे करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए येलो हाइलाइटर, ये देखिए। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ ग्रीन, देखिए देखिए। मैंने ऐसे ही, आप लोगों को पता है मैं पैसे जल्दी से खर्च करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद को तो मेकअप का शौक है नहीं, मुझे तो लेना होता है कस्टमर के लिए। ये देखिए ये लाइट कलर है, ये कौन सा कलर लिया मैंने, ये वाला ग्रीन और ये वाला बीच वाला, और अब ये मैं ले रही हूँ ये वाला ग्रीन। अब इसकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि 64 कलर हैं ये, 64 कलर। आप सोच सकते हो कि कितनी देर लगेगी मुझे दिखाने में, तो मैं आपको कुछ कुछ दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छी पैलेट है, आप लोग ले लीजिए। ये देखिए पिंक कलर, ये देखिए देखिए, एक ही बार लगाया मैंने, और ये देखिए पिंक कलर, ये लाइट पिंक कलर जो हमें पिंक कलर से बनाना है आई मेकअप। ये देखिए ये वाले कलर ले रही हूँ मैं, ये वाले तीन कलर ले रही हूँ अभी मैं। उसके बाद ग्रीन के भी दो हैं इसमें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पर्पल कलर, 64 मैं नहीं दिखा पाऊँगी, मैं आपको डार्क डार्क कलर दिखा रही हूँ, और सबका ही टेक्सचर बहुत अच्छा है। देखिए मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की झूठ मूठ की बराई करूँ। ये देखिए ये देखिए, ये अब रेड वाला स्पार्कल रेड, मैंने इसका अलग से भी वीडियो बनाई हुई है पैलेट की। ये देखिए कलर्स देख लीजिए। उसके बाद ये फिरोजी, डार्क फिरोजी जिसे कहते हैं, ये देखिए। उसके बाद ब्लू, ब्लू लोगों को बहुत पसंद, पर्पल, पर्पल डार्क, ये जो पर्पल डार्क है ना, ये मेरी मॉर्फी की है आई शेडो पैलेट, जो मेरे बेटे ने मुझे बाहर से गिफ्ट की थी, उसमें ये शेड है ग्लिटर में। और देखिए, और ब्राउन, ब्राउन जो है ये ब्राउन वाला, ये कम, बहुत कम पैलेट्स में होता है। कैसे दिखाऊं, ये देखिए ब्राउन। और उसके बाद लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन यहाँ लगा के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए थोड़ा सा ये पाउडरी बेस में है, ये वाले लगाए मैंने ब्राउन, ये वाले ब्राउन लगाया मैंने, ओके। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका गोल्डन कैसा है, इसका गोल्डन कलर कैसा है, गोल्डन। मैं आईज पे भी दिखा देती हूँ, अभी इसी के ऊपर लगा लेती हूँ थोड़ा सा, आप लोग देख लेना मुझे, तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, हल्का सा ही टच किया मैंने। अब तो मैंने मैंने कौन सा किसी ड्रेस के लिए किया था, ये देखिए ये देखिए, मुझे दिख नहीं रहा, मैं पास से देखूंगी, लेकिन वाह बहुत सुंदर लग रहा है ये तो, एक ही बार लिया मैंने फिंगर पे, देखिए। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था ये पैलेट अच्छी है, ये पैलेट सच में ही बहुत अच्छी है, आपको इसके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। तो आपने देख भी लिया कि सारे कलर्स कितने अच्छे हैं। मैंने लाइट कलर इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वो कैमरे में ना ढंग से दिखेंगे नहीं। अब मैं ऑरेंज भी दिखा देती हूँ, ये थोड़ा पाउडरी बेस में है, ये वाला, ये यहाँ, ये देखिए देख रहे हो। अब इसका हाइलाइटर वाली शेड, इसके लिए ना जो बंदा बिल्कुल, जिसको पता ही नहीं ना कि आई मेकअप करना कैसे है, कैसे शुरू कैसे करना है, ये पैलेट उनके लिए है। प्रोफेशनल के लिए तो है सो है, लेकिन ये उनके लिए भी है जो बेचारों को आई मेकअप बिल्कुल नहीं आता। तो इसमें क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे तीन तीन शेड दिए, इसलिए दिए कि आपको कट क्रीज पे कौन सा लेना है, आपको उसके ऊपर कौन सा लेना है, आपको हाइलाइटर शेड कौन सा लेना है, तो इसके लिए उन्होंने सब कुछ बताया। और कलर्स आपने देख लिए,
कितने प्यारे कलर हैं, मतलब 599 में इतनी अच्छी पैलेट अगर आपको मिल रही है ना, तो ये सोच लो कंपनी आपको गिफ्ट कर रही है ये, जिसमें आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता आई मेकअप कैसे करना है, भाई ऊपर क्या लगाऊं, नीचे क्या लगाऊं, बीच में क्या लगाऊं, किसी को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कहती, हाँ दुनिया में बहुत ट्रेंड लोग होंगे, दुनिया में सबको आई मेकअप बहुत अच्छा आता होगा, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ABCD भी नहीं पता आई मेकअप की, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये पैलेट आप ले सकते हो, स्वाचेज मैंने दिखा दिए इसके कि कैसे हैं, और मेरे को तो पता नहीं मैंने तो कैसे किया है, मैंने तो बिना चश्मे के कर लिया, आपको पता ही है चश्मा मैं लगाती ही हूँ, तो बहुत अच्छा है ये, आप लोग ले सकते हो। लिपस्टिक जो मैंने लगाई है वो मैंने ये लगाई हुई है रेवोल्यूशन की कलर स्टे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ये देखिए ये वाला भी एक शेड, वीडियो अब लंबी हो गई है, ये वाली शेड भी दिखा देती हूँ, देखिए इसमें कितना स्पार्कल है, गोल्डन गोल्डन, ये देखिए, और ये वाली शेड है इसमें, ये शेड ये स्पार्कल वाली है हल्की हल्की, और ये बहुत ही प्यारी शेड है। चलो इसे भी आइस पे लगा के दिखाती हूँ एक बार, गोल्डन के ऊपर ही, ये देखिए ये हो गया स्मोकी आइज ही होगी मेरी तो, ब्लू, लेकिन ये ग्लिटर आ रहा है, मैं साफ ही कर देना है अभी। तो देखिए ये गोल्डन ग्लिटर आपको दिख रहा होगा मेरी आईज पे, मैंने नहीं देखा अभी, ये देखिए गोल्डन ग्लिटर आपको दिख रहा होगा, हाँ इसमें गोल्डन ग्लिटर है। तो पैलेट बहुत अच्छी है, आप लोगों को अगर मेरी बातों पे विश्वास हो तो प्लीज़ आप ले लेना इस पैलेट को, और ये नायका पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं दे दूँगी, पहले भी इसकी एक वीडियो अपलोड है और ये देख लिया आपने। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है और यहाँ आपको कुछ भी बात करनी हो, आज ही सुबह एक मैसेज आया था कि मुझे मैडम इसके स्वाचेज दिखाइए, और मेरा ये वीडियो देखने के बाद मेरे कितने कस्टमर पार्लर के ही हैं जिन्होंने ये मेरी पैलेट इसके साथ की मंगवाई है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी शर्मा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं आप उसे देख सकें। ओके बस, बाय, टेक केयर।